ਗੰਦੀ ਜਨਾਨੀ ਮਨੂਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। और जब तक ना तू के थप्पड़ों का नाश्ता नहीं करती, सुबह नहीं होती इसकी। दिमाग खराब हो गया तेरा, गवार के बच्चे, तेरा प्यो के सफाई करेगा। चुप कर, तमीज नहीं है मजादी खिला से बात करने की, बात तमीज। तुझे अल्लाह मुझे का तेरी कब है? चल, तेरी कबर में कीड़े पड़े कुत्ते, दफा हो जा अपने घर। खुदा मुझेगा तुझे। कमती जनानी बादरी, वालेकुम अस्सलाम सुरैया। वैसे ये कोई वक्त है तुम्हारे आने का? बाजी वो जो नुक्कड़ वाले चोरी साहब है ना, उनके घर परोने आ गए थे बाजी, ऐसी रगड़ रगड़ के दो दो बारी सफाइयां कराई हैं उन्होंने मुझसे बाजी, फिर भी तसल्ली कोई नहीं हुई बाजी दी। बस बस रहने दो, रोज के यही बहाने हैं तुम्हारे। कसमे बाजी झूठ नहीं बोल रही, इतना सा भी काम रह जाना, ये लंबी लंबी गालियां देती हैं बाजी मुझे। गालियां देते हैं और वो भी गंदी गंदी, तुम उनका काम छोड़ क्यों नहीं देती? क्या करें बाजी, मजबूरी है, काम में नखरा तो नहीं कर सकती ना बाजी। सुरैया तो ये क्या काम नहीं है, मैं पैसे नहीं देती तुम्हें। नहीं नहीं बाजी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? आप बताएं कहाँ से शुरू करना है। मैं कर तो रही हूँ बाजी, ये बताएं। ऐसा करो कि पहले लाउंज कर लो, उसके बाद कमरा साफ कर देना मेरा, और फिर किचन। और हाँ, जाने से पहले साहब के कपड़े जरूर धोके जाना, एक हफ्ते से बहुत जमा हो गए। सुरैया एक कप चाय। सुरैया सुरैया इधर आओ। जी बाजी, यहाँ बैठो, इधर मुंह करो। ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसा है? ये बाजी वो मैं काम कर रही थी तो मैं डिग गई, मेज की कोनी लग गई बाजी। झूठ मत बोलो सुरैया, अच्छा खासा जख्म है ये।
फिर से मारा है तुम्हारे शौहर ने? बाजी, तो रोज रोज की कहानी है। अच्छा ऐसा करो कि काम बाद में कर लेना, हाँ मेरे बेडरूम में जाओ, वहां साइड टेबल पर एक ऑइंटमेंट पड़ी है, लेकर आओ, मैं लगा दूं, सब ठीक हो जाएगा। और ये तुम्हारा शौहर वही है ना जो बाहर गार्ड के साथ बैठा हर वक्त गाने गाता रहता है? उसे कहना कि शाम को आकर मिले मुझे, खबर लेती हूँ मैं इसकी। नहीं नहीं बाजी, ऐसा ना करना बाजी, वो मुझसे रुस जाएगा, मैं उसे किधर बनाती फिरूंगी। तुम डर क्यों रही हो? मर्द है मेरा बाजी। वाह सुरैया, अच्छा मर्द है जो औरत पर हाथ उठाता है। तुम भी ये रोज मार खा खा कर तंग नहीं आती उसे? छोड़ क्यों नहीं देती इसे? अगर मारता है तो दुनिया कौन सा मेरे आगे फूलों के हार बिछाती है बाजी। मरना ऐसे ही होता है बाजी, हाथ छूट। वैसे मैंने इसे छड़ भी दिया तो अगले ने कौन सा मुझे मरानी बना के रखना है बाजी। इसीलिए वो तुम पर जुल्म करता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि तुम उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। तुम्हें पता है सुरैया कि अब तो कानून आ गया है, जो मर्द अपनी बीवी पर या किसी भी औरत पर हाथ उठाएगा वो सीधा जेल जाएगा। तुम रिपोर्ट क्यों नहीं करवाती उसके खिलाफ? अच्छा तुम रहने दो, मैं करवा देती हूँ, आइंदा हाथ नहीं उठाएगा तुम पर। नहीं 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 बाजी, मैं ये कानून वानून के चक्रों में नहीं पड़ती बाजी, ये अमीर लोगों के चौंचले हैं। इससे भी बाजी हमारे मर्द ऐसे ही होते हैं, हर कोई हमारे साहब जैसा थोड़ी हो सकता है। हमारे साहब जी कितने अच्छे हैं, कितना खुश रखते हैं आपको। आपको खुश देख के ना बाजी मेरा भी दिल खुश हो जाता है। आप मेरी परवाह ना क्या करें, मेरी फिक्र ना क्या करें बाजी, मैं काम पे लगूं, पहली देर होगी बाजी। बताया नहीं मुझे, तो रोज ही आता हूं यार, क्या आके ऐलान किया करूं कि आ गया हूं मैं। मुझसे कह दिया होता मैं खाना गर्म कर देती तुम्हारे लिए। नहीं बस ठीक है, खुद ही कर लेता हूं, इतना कोई मसला नहीं है। फिर एमी तुम डिस्टर्ब होती हो ना। डिस्टर्ब क्यों, मैं कौन सा मसरूफ होती हूँ सारा दिन, और सुबह भी बताए बगैर ही चले गए तुम। वो तुम्हारे लिए करता हूँ यार, तुम प्रॉब्लम होती है ना तुम्हें फिर प्रॉब्लम कैसी। अच्छा लगता है मुझे ये सब कुछ तुम्हारे लिए करना। तुम ऐसा करो कि चेंज कर लो, मैं खाना लाउंज में लगा देती हूँ। चलो चेंज वेंज नहीं कर रहा, प्लीज खाना लेके आ जाना यार।
और कहाँ मर गई थी सारा दिन? और बोले और टेगू पछीना पिया अपने खसम के साथ थी, कहाँ पे थी और कहाँ पे होना था मैंने? और बकवास ना किया कर ज्यादा। और ये क्या दूध है, नजर नहीं आ रहा। वाह, ओए जब मैंने तुझसे पैसे मांगे थे तब तो थे नहीं, ये दूध कहाँ से आया? तेरी याशियों के लिए कमाती मैं, अपने टिट भरने के लिए कमाती हूँ। बकवास ना कर ज्यादा, तू तो मुझे ऐसे कह रही है जैसे बचपन से पाल पोस के तूने मुझे बड़ा किया। माड़ा बड़ा कर मेरी मैं डिलीवरी करता हूँ। जानती हूँ मैं तेरी ड्राइवरी कमाई पे ना हक है मेरा, बीवी है तू मेरी, तेरा खावन हूँ मैं। खावंत बीवी के पीछे लुकने वाला खावंत, शमशाद के आगे अपनी बूटी को पेश करने वाला खावंत है तू। उसकी गालियां सुनू मैं, उसके ताने सुनू मैं, तुझे मैं बता दू रखे के बांधे जो तू गुजराती ना उसके साथ, पता मुझे क्या कहा तूने? क्या कहा तूने मुझे बेगैरत इंसान? क्योंकि मैंने तुझे पैसे नहीं दिए? अभी मैं तुझे पैसे दे दूँ ना, अभी तेरी सारी गैरत यहीं पे मर जाए, फिर तुझे कोई मेरा यार नहीं लगेगा, कुछ बुरा नहीं लगेगा तुझे। जा जा भेज अपनी उस माशूका को, उस रुतरी को भेज उसके सामने, बेगैरत इंसान है तू, जाहिल इंसान। चल छोड़ मुझे, इतनी बात समझाया बकवास ना किया कर। आसिया के भी सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। रामेश जी जूनी, यहाँ मैं यही रहती हूँ, तुम यहाँ कैसे? बस मेरी लाहौर में जॉब हो गई, हफ्ता ही हुआ, ये सात वाला घर मेरा वो। हाँ इधर ही शिफ्ट हुआ। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मुझे तो पता नहीं था आप यहाँ रहती हैं। पता कैसे चलता, शादी के बाद किसी से रब्ता ही नहीं रख पाई। अंदर आओ ना, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं नहीं, आपको पता है पहले मेरी देर से आंख खुली है और आज ऑफिस का पहला दिन था, मैं लेट हो गया। कोई नई बात नहीं है, ऐसे सब याद है मुझे कि कॉलेज में तुम्हें बार बार कॉल करके मैं ही उठाती थी कि रामेश उठ जाओ देर हो जाएगी, असाइनमेंट सबमिशन डे है, लेकिन तुम नींद से बहुत मोहब्बत करते थे, है ना, हमेशा देर कर देते थे। सालों गुजर गए मगर तुम नहीं बदले। बस अब आप फिर से मिल गई हैं मुझे, तो अब मुझे फिक्र की कोई जरूरत नहीं, आप मुझे रोज उठा दीजिएगा ऑफिस के लिए। तुम्हारी ये बेबी बनने की आदत नहीं गई, बिल्कुल नहीं बदले तुम, देर हो जाएगी जाओ। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, मैं लेट हो रहा हूँ। अच्छा फिर मिलते हैं, ठीक है। सुनो रात को डिनर पर आना, राफे तुमसे मिलकर खुश होगा। ओके श्योर श्योर, ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप आ गए, अब राफे प्लीज शाम को तैयार रहना, मेरा एक मेहमान आ रहा है। यार किसको बुला लिया है? पुराना दोस्त है मेरा, आपको मिलकर अच्छा लगेगा उससे। इंसान है राफे, मतलब तुमने एक भूत परी था ना बुला लिया, इसलिए कह रहा हूँ।
तो हाँ ये ये क्या है? गिफ्ट है और क्या है? ऐसे देते हैं किसी को गिफ्ट? यार कैसे दे रहा हूँ ये छोड़ो, क्या दे रहा हूँ ये देखो तुम। मुझे अल्लाह करे तुम्हें सूट कर जाइए। रामेश आई एम सॉरी, वो आज हमारी मेड नहीं आई तो इसलिए चीजें कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। प्लेट क्यों खाली है तुम्हारी, डालो ना। जी जी मैं ले रहा। आपको याद है कॉलेज में आप हमेशा मुझे कहती थी कम खाओ मोटे हो जाओ, बस तभी से कम खाता हूँ। अरे तुम्हें कहती थी और खुद देखो बैठ बैठे कितना वेट पुट ऑन कर लिया, ऐसे नहीं मोटी नहीं हो रही है? नहीं इन पे तो इतना वेट अच्छा लगता है। ओ भाई क्यों बेकार हो यार इसे, तुम तो कह के चले जाओगे हम नहीं हैं भाई, भुगतना हमें पड़ेगा। रामेश तुमने शादी नहीं की अब तक? बस कोई मिली नहीं। बहुत अच्छा हुआ नहीं मिली, सुखी हो? शादी का फायदा क्या है सीरियसली यार, अपनी आजादी बंदा खत्म करके बैठ जाए, कैद में रहने का फायदा क्या है? इसके ना मशवरे पे कभी अमल ना करना, कभी जो ये सही मशवरा दे दे। नहीं नहीं इन्हीं के मशवरों की बदौलत तो आज कहीं किसी मकाम पर पहुंचा हूं। हमें तो इनके मशवरों ने कहीं नहीं पहुंचने दिया। क्यों सुनी? रामेश खाना लो ना। रामेश साहब आपको पता है आप बहुत लकी हैं, बल्कि मैं भी बहुत लकी था कि मुझे जूनी जैसी सीनियर मिली। कॉलेज में रैगिंग से इन्होंने मुझे रेस्क्यू किया था, और अगर मेरी असाइनमेंट्स में ये हेल्प ना करती तो मैं फेल हो जाता और खुद जिंदगी के तमाम टेस्ट में फेल होती रही। सारा कुछ मैं ही करता हूँ यार। क्या बता क्या रहे वैसे तुम्हारे बारे में, सही कह रहा? जूनी तो टॉपर थी, मतलब स्टडीज स्पीचेस डिबेट्स, और आपको पता है बहुत कमाल की सिंगर, सिंगिंग में तो क्या बात। लगी नहीं रहा इस जूनी की बात हो रही है, क्योंकि सीरियसली भाई हमने तो इस जूनी में वो सब कुछ नहीं पाया। पानी लो। राफे ये क्या कर रहे थे तुम? क्या रामेश के सामने मुसलसल बोले जा रहे थे मेरे बारे में, क्या सोच रहा होगा वो? अब क्या कर दिया मैंने? मजाक उड़ाते जा रहे थे उसके सामने मेरा। मजाक उड़ा नहीं रहा था, मजाक कर रहा था बस मैं। अच्छा तो ये कैसा मजाक था जिसमें सिर्फ मेरे लिए मुसलसल तजलील थी? यार इतना सीरियसली क्यों ले लेती हो हर बात को? देखो मैं तुम्हारे बारे में बात कर सकता था कि उससे, उसे तो जानता भी नहीं हूं, क्या किस टॉपिक पे बात करूं उससे? कोई अच्छी बात भी तो कर सकते थे मेरे लिए। मैं सिर्फ हंसी मजाक कर रहा था, मैंने कहा जरा एंटरटेन रहेगा आप, ये सड़ू ना लगूं, यू नो जरा ट्राइंग टू मेक थिंग्स गुड। शायद राफे बहुत स्वीट आदमी है, बल्कि मुझे तो बहुत फनी लगे। आई थिंक आपको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं राफे को स्पेस नहीं देती? ऐसा नहीं है रामेश, बहुत स्पेस देती हूँ। नहीं मेरा पॉइंट ये नहीं है, जरा सोचें अगर यही बात आपसे कोई और करता तो क्या आप इतना बुरा मनाती? नहीं ना। राफे मेरा शौहर है, उसकी ओपिनियन से फर्क पड़ता है मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है। तो फिर आप वही करें ना जो वो चाहते हैं। क्या नहीं करती मैं उसके लिए, जो वो कहते हैं वो सब करती हूँ। मुझे लगता है उन्हें आपके वेट से प्रॉब्लम है।
अच्छा आपने बुरा नहीं माना, लेकिन थोड़ा सा तो आपने वेट गेन किया है ना, क्या हाल किया हुआ आपने अपना, प्लीज थोड़ा सा रिड्यूस कर लें। अरे इतना वजन कम किया मैंने, लेकिन फिर भी अच्छी नहीं लगती मैं उन्हें, कुछ भी कर लूं नहीं अच्छी लगती। अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करती हूँ, मेकअप करती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन वो खुश ही नहीं होते। बस ये कहते रहते हैं कि अच्छा तुम पतली होकर प्यारी नहीं लगने वाली। I think he is really funny. Sorry. अब देखें, मुझे लगता है कि वो इतना कहते नहीं है जितना फील कर लेती है। तुम ये कहना चाह रहे हो रामिस के ये सब मेरा अपना ख्याल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं यहाँ बैठ के आपके हस्बैंड की बुराइयां करूं, उनकी बैक बाइटिंग करूं या गिबत करूं? मैं ये सब नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि मैं भी किसी से बात कर सकूं। ये सब कुछ तुमसे कह के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपनी सिचुएशन समझना चाहती हूं। खैर आई थिंक आपको पॉजिटिवली चलना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो तुम्हारे ख्याल में मैंने टॉप इसलिए किया था कि मैं घर बैठना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना MBA कंप्लीट नहीं किया? नहीं रामिस, ऐसा नहीं था। इंसान की कुछ मजबूरियां भी होती हैं। देखें मैं फिर भी वही बात करूंगा कि आप राफे से जरूर बात करें कि आप जॉब करना चाहते हैं। और देखें इसे दो फायदे होंगे, नंबर वन आपको भी एक स्पेस मिल जाएगी, नंबर टू राफे को भी एक स्पेस मिल जाएगी। अंडरस्टैंड? तो अब अपना मूड अच्छा कर लें एंड थिंक पॉजिटिव जैसा कि आप होती थी। हाँ कैसी रही आपकी पार्टी? अच्छी थी यार, बहुत हल्ला गुल्ला था, बहुत मजा आया। सब मर्द ही थे वहाँ? हाँ थी, लड़कियां भी थी। क्यों शक हो रहा है मुझ पे? ऐसा नहीं कह रही थी मैं, बात को पता नहीं कहाँ ले जाते हैं आप। यार तुम भी तो ऐसी कह रही, इतना जैसे कि बंदे कोई बहुत ही अय्याशी करते रहते हैं हर वक्त। वो ऑफिस में बड़ा काम करते हैं हम लोग भी, तुम लोगों को करना पड़े ना फिर पता चलेगा। मेरा मतलब था कि वाइफ्स भी थी आपके कोलिग्स की? थी। तो मुझे भी ले जाते अपने साथ, वैसे भी तो सारा दिन घर में मैं बोरी तो होती रहती हूँ। वो तुम्हारा वो किधर होता है वो दोस्त, वो रामेश? रामेश वो तो अपने ऑफिस जाता है, काम करता है, और वैसे भी मुझे रामेश के साथ नहीं आपके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। अच्छा कह रही है, तुम तो कह रही थी कि मेरी बातें तुम्हें जहर लगती हैं, फिर तुम मुंह बना लिया करती हो। ऐसा कुछ नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम जब भी पार्टी पर जाएं मुझे साथ लेकर जाना। यार तुम्हारी हालत है वैसे पार्टियों वाली, ऑनेस्टली। हालत क्या मतलब, क्या हुआ है मुझे? मतलब आंटियों की हालत में रहती हूँ ना यार, अब मैं क्या जाके इंट्रोड्यूस कराऊंगा? ये देखें जी आंटी आई हैं मिलने, ये देखा फिर मुंह बना लिया तुमने। देखो यार तैयार होकर जाऊंगी, शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी मेरी वजह से आपको। लेकर जाना हुआ तो ले जाना, इंसिस्ट नहीं करूंगी। सच बोलो शक है ना मुझ पे, स्पाई करना चाह रही हो? कभी मोबाइल फोन चेक किया है मैंने आपका? तो स्पाई करूंगी? कर लो, ये तो कर लो, कर लो। जरूरत नहीं है इसकी, और जिस दिन करना हुआ ना जरूर करूंगी।
withdrawn its cold fingers from the land and passed into bright and early spring. Arathorn, son of Arador. वो ठीक हो गया तुम्हारा? क्यों? In happiness. मेरे मूड को क्या हुआ था? ठीक ही तो है. आपका मूड तो खैर हमेशा ही ठीक होता है. मूवी देख रहे हैं? कौन सी है? लॉर्ड ऑफ द रिंग. मैं भी देख लूं आपके साथ? तुम्हारे मतलब की है नहीं वैसे इतनी, समझ आएगी नहीं तुम्हें तो मैं भी पूछती रहती हूँ फिर कि अब क्या हुआ है, क्या हुआ है बताएं. यार क्या ग्राफिक्स है इसकी, सीरियसली ऐसे ये इस लड़की की शक्ल उससे नहीं मिलती, वो जो मेरा कुलीग है यार उसकी बीवी, क्या लड़की है यार, शी इज ब्रिलियंट. क्या हो गया आपको राफे? किसी की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं आप? मैं कौन सी उसकी खूबसूरती की तारीफें कर रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जीरो से स्टार्ट किया था उसने और आज इंटरनेशनल मैगजीन्स में उसके इंटरव्यूज छप रहे हैं. ब्रिलियंट गर्ल, एंटरप्रेन्योर है यार. अच्छा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है. यार अभी नहीं प्लीज, मैं जरा अभी फिल्म. प्लीज अभी राफे प्लीज. अच्छा यार अब टीवी क्यों बंद कर दिया? तुम सुकून से देखने दोगी मुझे? बोलो खैर. मैं जॉब करना चाहती हूँ. तुम जॉब करोगी? तो इसमें हंसने की कौन सी बात है? अगर आपकी कॉलीग की वाइफ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? चलो जी कंपैरिजन शुरू. हाँ जी कर लो कर लो कर लो. एक जॉब देखी है मैंने ऑनलाइन, और वैसे भी बीकॉम तो किया ही हुआ है मैंने. बीकॉम से क्या जॉब मिलेगी तुम्हें? रिसेप्शनिस्ट की? वो मैंने सोचा था कि ओपन यूनिवर्सिटी से एमबीए भी कर लूंगी साथ साथ. हाँ ये ठीक है, कर लेना, ठीक है, सही है, जरूर. तो फिर अप्लाई कर लूँ मैं? हाँ कर लो, अच्छा है, कुछ बिजी भी रहोगी तुम वरना इस तरह काम का. सच कह रहे हैं आप? यार तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि बहुत ही जल्लाद आदमी हो. कौन से इतने जुल्मों के पहाड़ तोड़ रखे मैं तुम पे. कर लो ठीक है, करना है तो करो, जरूर करो. नाराज क्यों हो रहे हैं आप मुझसे? अब ये ना कहना शुरू कर देना कि मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दे रहा हूं. मैं तो चाहता हूं यार बंदियों को जॉब करनी चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस, और वो तो मैं है नहीं. तुमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो उसमें वो सुरैया में होगा. तुम्हें तो सब्जी वाले से बार्गेन करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम क्या जॉब करोगी यार. एनीवे करके देख लो, अगर वो तुम्हें रख ले तो कर ली बात, लगा दूं फिल्म. What hope is there for our people? The line of the kings hangs by a thread. I feel it's the finest bit. पाजी क्या हो गया है? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? बात मत करो मुझसे, जब अमल ही नहीं करना होता तो. पाजी घर वाला है मेरा. घर वाला है या जलाद है वो? हर रोज मार खाती हो उससे और फिर यहां आ जाती हो अपने दुखड़े सुनाने.
मुझे तो लगता है कि लोग ठीक ही कहते हैं। तुम लोगों की ये मिली भगत होती है, दिखावे के लिए लड़ते हो तुम लोग, पैसे बटोरने के लिए। दीदी बाजी कसम ले ले, मैं हक लाल की खाती हूँ बाजी, मैंने आज तक कभी भीख नहीं मांगी बाजी, गरीबी का अजाब आप नहीं समझ सकती बाजी। चंगे चंगे को ना भेड़ा बना देती है ये। तुम फिर उसी की तरफदारी कर रही हो जिसके दिए हुए जख्मों के इश्तेहार लिए फिर रही हो। बाजी काम मिल जाएगा तो सुधर जाएगा, घर बैठा बैठा पागल हो गया बाजी। मैंने बात की थी सुरैया, लेकिन तुम्हारे साहब ने साफ मना कर दिया, कहने लगे कि कौन रखेगा इस तरह के जानवर नुमा इंसान को नौकरी पर। वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। हाँ वो फाइल रह गई थी एक, मैंने कहा के ले जाऊं, शहर में इतना धूल घट्टा है पता है। जरा प्लीज ये भी साफ कर दो, इस पर देखो ये गंदे यहाँ पर लगा हुआ है। एक सुनिए, ये क्या हुआ? ये मैं डिग गई थी साहब जी, तो मेरे खुरच आ गई है सारी। नहीं दिखाओ जरा, दिखाओ जरा, हटाओ। ओ माय गॉड, सुनिए अच्छा खासा जख्म है, तुमने देखा है? देखा है मैंने, फिर से मारा है इसके शोहर ने इसे। तुम क्यों रहती हो उस जानवर के साथ? पुलिस को क्यों नहीं बताती तुम? पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती साहब जी ने, उसे पकड़वा दूंगी तो चढ़ाना भी मुझे ही पड़ेगा, मैं नहीं तक्के खाना चाहती। ये होती हैं वफादार औरतें, जालिम शोहर के जुल्म पे इतनी सी चूं भी नहीं करती। रश्क आता है सुरैया तुम पे, लेकिन सुनो अब हो गया है जमाना तब्दील, औरत आजाद हो गई भी है। तुम खुद कमाती हो, तुम खुद खाती हो, तुम्हें अपने मियां से दबने की जरूरत ही नहीं है। सुनी तुम देख क्या रही हो यार, इसे बड़ा बुरा हाल है, प्लीज जाके इसे ऑइंटमेंट वगैरह लगाओ। ये अगर सेप्टिक हो गया ना फिर कहां से कमाओगी बताओ? साहब जी मैंने बेगम साहब से कहा था मेरे शौहर को नौकरी पे रख ले, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मगर वो हाँ ठीक है ले आओ उसे कल से, वैसे भी हमने रखना तो है ही, कोई इतना मसला नहीं। पर आपने तो कहा था कि हाँ मैंने कह दिया ना कल से ले आना उसे, और अब उसने जुल्म किया ना तुम पे, तुम सीधा पुलिस को फोन करना 115 पे। बहुत शुक्रिया साहब जी, मैं कल से अपने आदमी को काम पे ले आऊंगी, आप चाय पियेंगे? नहीं नहीं चाय वाय छोड़ो, इस पे तुम जाके अपॉइंटमेंट लगाओ, इसका हाल अच्छा नहीं, जाओ चलो। राफे ये आपने क्या किया? क्या? सुरैया के शौहर को नौकरी पर रख लिया, जानते भी है कि कैसा इंसान है वो। ठीक है यार गरीब आदमी, उसकी कुछ हेल्प हो जाएगी और क्या। जब यही बात मैंने आपसे की थी तो चिढ़ गए थे आप, कैसे चोर चकों को नौकरी पर रखोगी, और अब क्या? यार इसमें इतना क्या मसला है, सुरैया क्या सोचेगी राफे कि मैं झूठ बोल रही थी उससे या बहाने बना रही थी। यार तुम हर वक्त अपना क्यों सोचती रहती हो, उसकी हालत देखी थी, कोई भी देख के पसीज जाएगा यार उसकी हालत। और जो मेरी हालत है, नहीं कुछ नहीं। क्या? ओह गॉड, अब वो सेल्फ पिटी के चक्कर में ना पड़ जाना यार। सही कहते हैं लोग, सारी दवा शैतान का घर होता है। मैं आई हैव टू गो चेक द फाइल, किस चक्कर में फंस गया हूं। इसमें अब इतना रोने की क्या बात है, अगर उनने दो लफ्ज हमदर्दी के मुलाजमा से बोल लिए तो इसमें ऐसा क्या है?
दुनिया भर के लिए हमदर्दी और दिलासे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं उनके पास। दो बोल प्यार के नहीं बोल सकते मेरे साथ। देखें जूनी, हम लोग अक्सर जिनसे मोहब्बत करते हैं या मुसलसल जिनके साथ रहते हैं, उनसे प्यार का इजहार करना थोड़ा मुश्किल होता है। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। रामिस, मैं बीवी हूं उनकी, अगर वो मेरी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? देखिए जूनी, मैं आपसे सच बोलूं तो मैं आपसे बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आप जैसी खातून जो कि कॉलेज में इंस्पिरेशन मानी जाती थी, वो इतनी कमजोर और इतनी आम बीवी साबित होगी? सीरियसली, और मैं हैरान हो रहा हूं कि आपने बिले वजह अपनी ये हालत की हुई है। बिला वजह तुमने राफे का रवैया नहीं देखा मेरी तरफ कि कैसा है? जूनी, सब शोहर ऐसे ही होते हैं। ये एक बकवास है रामिस, जो हर बीवी से की जाती है ताकि वो चुपचाप रोज रोज की सलालत बर्दाश्त कर सके। तो फिर आप क्या चाहती, आप छोड़ना चाहती हैं उन्हें? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर देखो, मैं ये चाहती हूँ रामिस कि एटलीस्ट वो मुझे एक्नॉलेज तो करे ना, मुझे मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाए, मेरे जज्बात को समझे। भाई सच कहते हैं, औरत को कोई नहीं समझ सकता, और ये अच्छा है कि औरत को कोई ना समझे, क्योंकि जो औरत को समझ लेता है उसे वो एक इमोशनल बोझ लगने लग जाती है, अट्रैक्शन ही खत्म हो जाती। अब आप मुझे देख लें, अपनी बहनों के, फ्रेंड्स के, कोलीग्स के दुखड़े सुन सुनकर। सीरियसली, मेरे तो भाई कानों पे हाथ हैं, मैं तो इस मोहब्बत के गम से दूर ही अच्छा हूँ। उफ, तौबा। मोहब्बत? मुझसे ये रिश्ता ही निपट जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे नसीब में मोहब्बत वब्बत नहीं है, नहीं है मेरे नसीब में मोहब्बत वब्बत। तो अब ये सब बातें जूनी इसलिए हो रही हैं कि उन्होंने दो बोल हमदर्दी के मुलाजमा से बोले, है ना? कम ऑन यार, पॉजिटिव हो। पता है आप क्या कर रही हैं? आप अपना मुकाबला एक मुलाजमा से कर रही हैं। हाँ, कर रही हूँ मैं अपना मुकाबला अपनी नौकरानी से, चल रही हूँ मैं उससे। जब उसका शौहर उसे पीटता है ना, तो कम अज कम उसके मार के निशान सबको दिखाई देते हैं, मगर जो मुझे रोज थप्पड़ मारे जाते हैं ना, वो सीधे मेरी रूह पर जाकर लगते हैं। किसे दिखाऊं मैं वो? ओके, ठीक है, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि आप इस वक्त ओवरथिंकिंग कर रही हैं। तुम ये कह रहे हो कि ये मैं इमेजिन कर रही हूं? जूनी, मैंने ये हरगिज नहीं कहा, लेकिन आप नेगेटिव जरूर हो रही हैं। जाओ यहां से। व्हाट? रामिस, तुम जाओ यहां से। पहले कि मैं तुमसे बहुत बदतमीजी करूं, प्लीज चले जाओ। अगर आपको कुछ बुरा लगा तो रियली जाओ यहां से। सुथा पे उठ उठ उठ, जा काम पे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना काम पे, दफा
उठ जा नथु, इतनी मुश्किल नाल मिन्नता कर करके तुझे नौकरी दवाई है मैंने, नहीं जाएगा काम पे फिर निकाल देंगे तुझे। ओए मैंने तुझे कहा मिन्नत कर मेरी नौकरी के लिए, मैंने शौक से नौकरी का काम शौक से नहीं किया जाता नथु, काम भूख नंग मिटाने के लिए किया जाता है। तुझे क्या लगता है मैं लोगों के गद्दे भांडे अपने शौक से मारते फिरती हूँ? मेरा नहीं दिल करता बाजी की तरह मरानी बन के बैठू मैं? मसला क्या तेरा? डरती है तू मुझसे? तुझसे मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं होता। तू ना लोगों की गाले खा खा के रज गया है। तेरा नहीं दिल करता कि तेरे मुंह में तो टुकर हो, तेरे बोझे में चार आने हो, लोग तेरी इज्जत करें। तू क्या समझती है मेरी इज्जत नहीं है? पता मैनू केड़ी तेरी इज्जत। चल मेरे साथ गली में, तुझे दिखाता हूँ मैं। अच्छू की अक में अक पा के कोई नहीं देखता, तू इज्जत की बात करती है। नथु को तो कोई नहीं देखता, पर नथु की जनानी को पूरा जमाना देखता है। बस नहीं, अगर तुम साथ चलते तो डॉक्टर ने कहा था कि अपने हस्बैंड को साथ लेकर आना नेक्स्ट टाइम। यार प्लीज मुझे ना सीरियसली इन फजूलियात में शामिल ना किया करो यार। देखो ऑनेस्टली अगर औलाद नहीं हो रही तो नहीं हो रही है ना यार, फिर क्या करें हम? मुझे प्लीज इसमें शामिल ना करो ना, मैं भी साथ जाऊंगा क्या हो जाएगा उससे? देखो अगर तुम साथ आ जाते तो कुछ शॉपिंग हो जाती, सारी शर्ट्स पुरानी हो रही हैं तुम्हारी। समझ गया हूँ, असल चक्कर शॉपिंग का है, इतने बहाने लगाने की जरूरत नहीं यार शॉपिंग के लिए। और देखो तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, रखो अपने पास, निकल जाओ बस ड्राइवर को लेके। और क्या क्या करूं मैं क्रेडिट कार्ड्स का जब तुम ही साथ नहीं हो तो? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ। वो हस्बैंड तो नहीं आ सकेंगे जी, वो कुछ अपने काम के सिलसिले में मसरूफ थे डॉक्टर साहब। जानती हूँ कि आपने ख़ास तौर पर उनको साथ लाने के लिए कहा था, लेकिन जी मैं एक कोशिश और कर लेती हूँ। ठीक है। बाजी जी, बाजी जी आप कहाँ जा रही हैं? कोई काम है, कुछ लाना है तो वो सुरैया से कह देना जी। उस बेचारी को क्यों परेशान करूँ मैं? हलो जी, इसमें परेशानी की क्या बात है? वो काम करेगी तो पैसे मिलेंगे ना, फजूल के पैसे तो नहीं देने उसे। और जी मेरी तरफ से आपको खुली छूट है, अगर वो काम ना करे तो दो रख के उसकी खुत्ती में दें, तीर वंगो सिद्धि हो जाएगी। क्या कहा तुमने? ओ जी मैं तो आपको गुरु बता रहा था उससे काम निकलवाने के बाद से। कितने घटिया इंसान हो तुम। उस बेचारी ने मिन्नतें करके तुम्हें मेरे घर में नौकरी दिलवाई है और तुम होके उसके बारे में ये बकवास कर रहे हो। शर्म करो तुम घटिया। बाजी जी मेरा ये मतलब नहीं था जी। वो तो क्या मतलब था तुम्हारा? पालतू जानवर है वो तुम्हारी, कि जो दिल में आएगा वही सलूक करोगे उसके साथ? हाँ क्या समझ रखा तुमने उसे?
सारी दुनिया के लिए बहुत हमदर्दी होती है तुम लोगों के दिल में, और अगर अपनी ही बीबी से दो बोल मीठे प्यार के बोलने पड़ जाए तो मौत पड़ती है तुम लोगों को। बाजी जी आप तो गुस्सा ही कर गई हैं जी, मैं तो बस आपको उसे काम करवाने का गुरु बता रहा था जी। वो बड़ी चंडाल है जी वो, और रैपटे की जुबान ही समझती है क्या? बाजी जी सर खरीद लौंडी है तुम्हारी है कि जब चाहा उसकी इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ कर दिया और वो चुप रहेगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मगर बाजी जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम मर्दों को। अगर आइंदा तुमने सुरैया से बदतमीजी की, उसको मारा पीटा ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, सीधा जेल भिजवाऊंगी मैं तुम्हें, याद रखना। तुम तो चली गई थी ना सुरैया, फिर वापस क्यों आ गई? अजी आपने नत्थू को काम से निकाल दिया। हाँ, और उसे कहना कि मुझे आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाए। पर क्यों बाजी? क्या मतलब क्यों? तुम ये क्यों पूछ रही हो? ऐसा कर क्या दिया है उसने बाजी, जो आपने उसे काम से निकाल दिया है? तुम जानना चाहती हो कि मैंने क्यों निकाला उसे? पता क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि सुरैया के मुंह पर जब तक दो थप्पड़ ना लगे तो वो बात नहीं सुनती, इसलिए निकाला मैंने उसे। मर्द है मेरा बाजी, कह सकता है। बस कर दो सुरैया, ऐसा ना हो कि जो कुछ उसे सुना करे तुम्हें भी सुना दूं। सुरैया मेरा दिमाग मत खराब करो। क्या कहा आपने बाजी, मुझे बताया आपने उसे क्या कहा? यही कहा था अगर सुरैया पर हाथ उठाया ना तो सीधा जेल भिजवा दूंगी। ये क्या कर दिया बाजी आपने? वो क्या सोचता होगा कि मैं सारे जमाने में उसकी चुगलियां लगाती फिरती हूँ, और वो जो तुम्हें हर वक्त पीटता रहता है उसका क्या? प्यार करता है बाजी, इसलिए मारता है वो मुझे। ये क्या बकवास है सुरैया? सच कह रही हूँ बाजी, मर्द का तो प्यार जताने का तरीका ही यही है, हक समझता है वो मुझ पे अपना, शक भी करता है तो अपनी समझ के करता है, थप्पड़ भी मार लेता है तो जान भी तो छिड़कता है ना मुझ पे। तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा जी चाह रहा है कि मैं भी तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूं। प्यार से पहले खल भी दहेड़ ले बाजी, सुरैया उफ तक नहीं करेगी। बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं बाजी कि अगर मर्द आपको मारता है ना तो सबसे ज्यादा प्यार भी वो आपसे ही करता है। क्या हो गया है? क्या कर रही हो ये? कुछ नहीं सर, मैं बहुत दर्द कर रही है, सर फट रहा है। जी भी हरकतें करने लगी है यार। वो तो हमेशा से ही करती आ रही हूँ, बकौल आपके। वो तो खैर हमेशा से कर रही हो, but I think you need help. इसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। साइकाइट्रिस्ट को? ओह, अब समझ में आया। पहले मैं आपको बेवकूफ लगती थी, मगर अब पागल भी लगने लगी है ना? पागल होने के लिए तो आपको थोड़ी सी अकल भी चाहिए होती है, आप में इतनी अकल है नहीं कि आप पागल कहलाने के लायक।
आपके पास मेरे बारे में करने के लिए कभी भी कोई अच्छी बात नहीं होती। क्या हो गया? मैं मजाक कर रहा था यार, दिल बहला रहा था बस, नथिंग सीरियस। चलो कहीं डिनर पे चलते हैं, वो भी बड़ी लग रही है सीरियसली। चलो ना, तैयार हो जाओ, कुछ अपनी हालत जरा ठीक कर लो। अच्छा ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। यार पता, रहने ही दो यार, तुम इतना टाइम लगाओगी तैयार होने में, मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। आई एम रियली टायर्ड एंड हंग्री, और मैं खुद ही खाना गर्म करके खा लेता हूँ, फिर चलेंगे। रेस्क्यू की जरूरत है। नहीं, वो मेरे घर में ही रहता है, मेरा शौहर है। नथु, नौकरी पे गया था? पाजी ना, दिल की बहुत अच्छी है, कभी कभी कौड़ी हो जाती है बस। तू कुछ दिनों से मुझसे गल नहीं कर रहा सही से, सब ठीक है ना? क्या गल करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा क्या सोच रहा था, कहीं उस डैन के बारे में तो नहीं सोच रहा था? फजूल बात ना कर, खाना खा ले। वरना क्या करेगा, क्या करेगा, वरना मारेगा, मार। अब मारूंगा नहीं मैं तुझे। छाप पाजी ने मुझे कुटने से मना किया है, मुझसे गल करने से तो मना नहीं ना किया तुझे? चप चप करके खा रहे, अपनी मशूका के सामने ऐसे खाते जंगलियों की तरह चप चप करके? मशूक मशूक मशूक, हर वक्त मशूक ही चली रहती है तेरे सर पे। कहाँ जा रहा है, रोटी तो खा जा। और ठूस ले तू, रोटी तो खाया। पाजी, आपने मेरे नथु को क्या कर दिया? ये क्या अच्छी बात नहीं है सुरैया, कि अब वो तुम पर हाथ नहीं उठाता? अरे तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। हाथ? वो तो मुझे आंख उठा के तकता भी नहीं है पाजी। ऐसे जानवर के देखने से बेहतर है कि इंसान खुद को जला ले। ऐसी बातें ना करें बाजी, मेरा तो दिल घबरा रहा है। दिल घबरा रहा है? अब क्या घबराहट है सुरैया? अच्छा मुझे लगता है उस कुड़ी पे आशक हो गया है। ये तुम्हें क्यों लगा? वो अब मुझे मारता जो नहीं है बाजी, इसका मतलब है वो मुझसे मुझसे प्यार भी नहीं करता बाजी। मैं क्या करूंगी बाजी, मैं किधर जाऊंगी? तुम अनपढ़ तो थी ही, लेकिन जाहिल हो इस बात का मुझे आज पता चला। पता है क्या, तुम्हें उसकी तजलील और वैशीपन की ना आदत हो गई है। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूं बाजी, पर इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मर्द आप पे हक जताता है तो वो आपको मार भी सकता है, आपको प्यार भी करता है। वो चाहे आपकी हड्डी पसली एक क्यों ना कर दे बाजी, पर अगर नथु चला गया ना बाजी तो मैं की करांगी? नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें,
चलो अब चुप हो जाओ। गाया था? रोते नहीं है। सॉरी, घर भी बिखरा हुआ है और घर में दूध नहीं था, सो ब्लैक कॉफी ऑफर कर सकता था आपको। इट्स ओके रामिस, लड़कों के घर ऐसे ही होते हैं। वैसे भी तुम सारा दिन ऑफिस में होते हो, कहाँ टाइम मिलता होगा ग्रोसरी वगैरह करने का, है ना? सॉरी, उस दिन अनइंटेंशनली ऑफेंड करते आपको। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, गलती मेरी थी। शायद मैं अपने हक में तुम्हारे मुंह से अपने लिए कमेंट सुनना चाह रही थी, लेकिन ये जरूरी नहीं है रामिस के जैसा मैं सोचूं वो सच हो। सोनी, मैं सीरियसली डर गया था, मुझे लगा था कि अब आप मुझसे दोबारा बात नहीं करेंगे। अरे तुमसे बात नहीं करूंगी तो फिर किससे करूंगी? तुम्हारे अलावा कौन है मेरा? शायद कुछ ज्यादा ही हक जमा दिया उस दिन, इसीलिए डांट दिया। लेकिन तुम मुझे अपना नहीं समझते, इसलिए छोड़कर आ गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सुनी, मैं नोट कर रहा हूँ कि कुछ दिन से आप अजीत पसंद होती जा रही है। मैं दरअसल सुरैया की वजह से बहुत परेशान थी। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि सुरैया का जो डर है वो सही है? क्या उसका खामंद किसी और से प्यार करता है? जोनी, मतलब डोंट टेल मी कि आप जैसी एक पढ़ी लिखी बंदी दास जोनी एक अनपढ़ गवार की बातों से इंस्पायर हो रही है। आपके हालात और उसके हालात में बहुत फर्क है। मेरा शौहर मुझ पर हाथ नहीं उठाता, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? अगर वो मुझे मारेगा तो प्यार करेगा? राफे ने मुझे कभी पाने की कोशिश ही नहीं की। यू कांट बी सीरियस। आई एम सीरियस। ओके, अगर हम आपकी सिचुएशन को मान भी लेते हैं तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपके शौहर एक पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी, वो कोई गली के नत्थू नहीं है जो आपके ऊपर हाथ उठाएंगे। किसी भी तबके, किसी भी क्लास का मर्द हो, मर्द तो मर्द ही होता है। इट्स नॉनसेंस। मतलब अगर वो आपके ऊपर हाथ उठाएंगे तो ही वो आपसे प्यार करते होंगे। हाँ, बेशक मुझसे प्यार ना करे, कम से कम उसके घूसों के निशान तो मेरे चेहरे पर आ जाए, कोई मुझे रेस्क्यू करने तो आएगा ना। Thank you.
चल कर लिया कर कभी कभी दो दो हाथों से और सुना कैसी है? ठीक। और जब तुम मुझे हंस के देखती है ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे डिंट होने का कार्टून आ गया। मेरा हिसाब कर दे बाजी, मैं और यहाँ काम नहीं कर सकती। काम नहीं कर सकती? क्या कह रही है तुम सुरैया? यहाँ काम करने में क्या तकलीफ है तुम्हें? बाजी आपने तो मेरा कार्य खराब कर दिया। मैंने? क्या बकवास कर रही हो? ना आप नत्थू को डांटती, ना वो मेरी कुट लगाना छड़ता, ना वो आज किसी और का होता। इसे बहुत ही जाहिल तुम सुरैया, मुझे लगता है कि तुम्हें इस अजियत में ही सुकून मिलता है। हाँ जी बाजी, बस ऐसे ही आप मेरा साफ कर दें। अगर मारने से ही मर्द का प्यार पता चलता है तो तुम क्यों नहीं मारती उससे अपना प्यार जताने के लिए? बाजी आपने तो पक्का मेरा घर तोड़ने का इरादा कर लिया, आप मुझे मत ना दें बाजी। मैं आप किसी और का बंदोबस्त करने में जा रही हूँ बाजी। सुरैया सुरैया बात तो सुनो। अल्लाह क्या हो गया इसे? मैंने तो इसी का भला चाहा था। सुनी इतना परेशान तो कोई अपने महबूब के जाने पे भी नहीं होता जितना आप उस मेट के जाने पे हो रही हैं। तो महबूब कौन सा आपके घर के बर्तन धोता है, टाकियां लगाता है? काम वाली से तो आपके 100 काम होते हैं। अगर तुम क्या समझो इस बात को? बात तो आप ठीक कह रही हैं, वैसे इस एंगल से मैंने कभी सोचा ही नहीं। इट्स क्वाइट एन इनसाइट। परेशानी से मेरी जान पर बनी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। अच्छा वैसे एक बात है, महबूब भले ये सब ना करता हो लेकिन महबूबा वो भी खसूसन बीवी तो ये सब टाकी लगाना और ये ऑल दैट स्टफ ही तो करती ही होगी ना। तो मेरा पॉइंट ये है कि राफिया आपकी कदर नहीं करते बट कम से कम उन्हें इन कामों की अहमियत का अंदाजा तो जरूर होगा ना जो आप उनके लिए करती हैं। कहाँ रामिस, मेरे हाथ से इस्त्री किए हुए कपड़े तक अच्छे नहीं लगते। कभी खाने में नमक कम है, कभी ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मेरे हाथ से किया हुआ कोई भी काम उन्हें अच्छा लगे कभी अप्रिशिएट नहीं करते, हमेशा कीड़े ही निकालते हैं। वैसे एक बात मेरे ज़हन में आई, अब लेकिन रहने दें, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ डेविल। अरे बताओ भी क्या बात है? रहने दें, कोई बात छोड़ छोड़ कोई और बात करते हैं। क्या हो गया रामिस, बता भी दो। देखें आपने जो मशवरा सुरैया को दिया आप उस पर खुद क्यों नहीं अमल करती? कैसा मशवरा? शोहर को पीटने का। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं राफे को पीटूं? अब नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं है, बट आपके अकॉर्डिंग राफे जो आपके साथ पैसिव वायलेंस करते हैं या आपको लगता है कि वो आपको इमोशनली अब्यूज कर रहे हैं तो आप सेम वैसे उनके साथ करके देख लें। इससे क्या होगा रामिस, सिवाय अपना घर तोड़ने के? देखा अभी कुछ देर पहले आप सुरैया को कोस रहे थे। देखिए जाहिल है, जबरदस्ती की मजदूम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और अपनी बारी आपको क्या हुआ? देखें जोनी, इसे कम से कम ये होगा कि राफे को रिलाइज तो होगा ना कि वो आपके साथ। मेरा मतलब यह है कि उन्हें आपकी फीलिंग्स का अंदाजा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चले अब रखता हूं, कुछ ऑफिस का काम है वो कर लूं मैं। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज।
जुनी वो फिर सो गई हो यार? ये सुरैया से कपड़े नहीं इस्त्री कर रहे थे? नहीं सुरैया नहीं है, काम छोड़ गई है। काम छोड़ गई क्यों? मैंने निकाल दिया उसे, जरूरत नहीं थी उसकी। यार देर हो रही मुझे ना, खुद कर लो ना जाके। जब अपने लिए तुम खाना खुद गर्म कर सकते हो तो कपड़े भी तो इसलिए कर ही सकते हो ना। और वैसे भी मुझे कहाँ आते हैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री करने। वो क्या रहे, कसम से किसी काम की नहीं हो यार तुम भी ना। ये इस्त्री की है तुमने? इतनी भुअड़ हो तुम जूनी, कसम से यार तुम्हें तो कोई धोबी भी ना रखे। जॉब करने चलिए। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। नत्थू हाँ, गल सुनी जरा। और क्या मात तुझे है, किथे चल रहा है? और पहले बता के जाता हूँ, एक मिनट है जरा। चल चल फिर सफाई सुई कर, चल तेरे ना कर। करनी है सफाई, वेख तो सही जरा, एक मिनट दे। हुने आई कहीं जा रहे हैं? हाँ क्यों नहीं, जाए जाए, पार्टी में जा रहे होंगे। पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो? और तुम्हें नहीं साथ लेके जा रहा मैं? जानती हूँ अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी ये हालत। एग्जैक्टली सुने, खाना कुछ कम करते हैं। खाना कम कर दूं क्यों? कुछ अजीब से लग रहे हैं आप। अजीब से लग रहे हो क्या मतलब? मुझे लगता है कि आपने वेट पुट ऑन किया है, टमी बाहर निकल रही है आपकी। रियली? और ये फेस पे क्या हो गया आपके, लाफ लाइंस बहुत प्रोमिनेंट हो रही, डबल चिन निकल रही है। डबल चिन का निकल रही है मेरे? मुझे तो ऐसा लगा। ठीक ही लग रहा हूँ मैं। और ये कपड़े भी कुछ जच नहीं रहे आप। कैसी फजूल बातें कर रही हूँ मैं, सही लग रहा हूँ? I'm sorry, अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी तो आईंदा नहीं कहूंगी। जाए, आपको देर हो रही होगी। मेरी रिंकल्स पड़ रहे? सर जी वो छुट्टी चाहिए जी, कमर में बहुत दर्द है जी। क्या हो गया कमर में जी? मार नहीं जी, गुर्दे की दर्द है सर जी, वो कभी कभी निकल आती है जी। यार ये तुम लोग बहुत ही छुट्टियां करते हो,
सुरैया है वो भी नहीं आ रही है, क्या मजाक बनाया है तुम लोगों ने? एक नंबर की झूठी है वो सर जी, और ये दर्द भी उसी ने निकाल लिया है, बहुत मारा जी उसने मुझे। यार कैसे मर्द हो, एक औरत से मार खा गए। अब सर जी, और ये जो औरत होती है ना बड़ी टेढ़ी होती है जी, एक बार अपनी आई पे आ जाए ना तो क्या मजाल है किसी मर्द की उस पर काबू पा सके। आए हाँ ये तो है। खैर सर जी आप ही बताएं जी मैं क्या करूं, बल्कि बाजी से कहें, बाजी समझाएं जी उसे। वो तो उनका तो अपना हाल अच्छा नहीं है यार, वो क्या समझाएंगे। बस फिर एक ही रास्ता बचता है, अब उसे गुत से पकड़ू कमा के बाहर फेंकू घर से। इतना डर गए अपनी बीवी से? नहीं जी डरा नहीं जी, पर अब डराना बनता है, हद से आगे चली गई है जी बात। औरत जो होती है ना बस घर टूटने से ही डरती है, और कोई चांस नहीं है इसको काबू करने का जी। बस कौन है? सुरैया तुम अब क्यों आई हो? बाजी नाराज ना हो बाजी, आपको पता है मेरा ना दिमाग घूम गया था बाजी। आपने ना ठीक कहा था, मैंने घर जाके नत्थू की ऐसी टैट पटाई लगाई, ऐसी कुट लगाई बाजी, उसके तो होश ही उड़ गए। कुछ असर हुआ उस पर? तो नहीं बाजी, पर मुझे ना मजा बड़ा ही आया। बाजी अल्लाह की कसम है सुकून मिल गया। अच्छा बाजी बताए क्या क्या काम पड़े हैं, मैं छेती छेती करूं, मैं नग्गे भी जाना है, मैं खुद ही देख लेती हूँ। पता है रामिस मैंने राफे से क्या कहा? मैंने कहा मैं तो खाना नहीं पका सकती, पर वैसे भी आपको मेरे हाथ का कहाँ अच्छा लगता है, तो ऐसा करें कि बाहर से ऑर्डर कर ले। कसम से राफे की शक्ल देखने वाली थी। तो आपको बहुत मजा आ रहा है सब करके? नहीं रामिस, सच पूछो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सोचती हूँ कि कैसी बीवी बन गई हूं मैं, लेकिन अंदर ही अंदर तसल्ली है, बहुत सकूं। अब राफे को मौका ही नहीं मिलता कि वो मुझे सेनी टॉर्चर दे पाए। इससे पहले कि वो मुझसे कहे मैं उसे इतना कुछ सुना देती हूं कि वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहते। अच्छा ठीक है। मगर क्या ये मुसलसल चल सकता है? क्या मतलब? देखें वो एक मर्द साथ कहीं अना में आकर खुदा ना खास्ता। मेरा पॉइंट ये है कि क्या आप इन सब के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं पता रामिस, देखो तुम्ही ने मशवरा दिया था मुझे और अब तुम ही डरा रहे हो। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। देखें जब मर्द के कंट्रोल में घर नहीं रहता ना तो फिर वो अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करता है, जिसका नतीजा बहुत बुरा होता है। क्या है यार,
क्या ये ही जो इतनी तैयारी की हुई है कहीं जा रही हो? नहीं तो फिर? तो फिर क्या यार, इतनी तैयारी किस लिए? अपने लिए, जरूरी तो नहीं है कि इंसान किसी दूसरे के लिए ही तैयार हो, अपने लिए भी तो हो सकता है। क्यों शक हो रहा है मुझ पर? नहीं, शक नहीं हो रहा। कोई पागल ही होगा मुझ जैसा जो तुमसे इश्क लड़ाए। सीरियसली मैं जाके चेंज कर रहा हूँ यार। यार क्या बात है राफे, परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे ऑफिस में ना उजैर, उसे मेरी जगह प्रमोट कर दिया है यार। तो इसमें जेलस होने की कौन सी बात है? मैं क्यों जेलस होऊंगा यार, वो भी उस उजैर से। डिजर्व करता होगा वो, इसीलिए। वरना ऑफिस वालों को तुमसे क्या दुश्मनी? ना 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 ना, यू नो इट्स माय टैलेंट, मेरे टैलेंट से जलते हैं ये लोग। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहां कुछ और लोग भी काम करते होंगे। एहसान नहीं करते आप ऑफिस वालों पर, तनख्वाह मिलती है इस काम की। Why are you being so mean to me? यार तुमसे हमदर्दी के दो लफ्ज नहीं बोले जाते। मैं तो आपसे वही कह रही हूं राफे जो आप मुझे समझाते हैं। रियलिस्टिक होना, खुद को ओवर एस्टिमेट ना करना और अपनी औकात में रहना, यही समझाते हैं ना मुझे? बहुत बेटर होती जा रही हो यार, तुम मेरी हमदर्द नहीं हो ऑनेस्टली। अच्छा, और जब आप ये सब मुझे बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो क्या मेरे साथ हमदर्दी नहीं कर रहे होते? क्या कर रहे होते हैं आप? हाँ, खुद के लिए कुछ और रूल्स और मेरे लिए कुछ और। ये तो कहते हैं राफे कि इंसान को दोगला नहीं होना चाहिए, यही कहते हैं ना? मेरी सारी बातें मुझे से तुम, ये कौन सिखा रहे तुम्हें सारी बातें? आप सिखा रहे मुझे। बदले ले रही हो ना तुम मुझसे? आई थिंक दैट्स इट। अगर हम इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर सकते तो फिर खत्म कर देना बेहतर है यार ये। और तुम भी सोच लो, तुम्हें मेरे साथ रहना भी है या नहीं। ये तो होना ही था बाजी, अंधेरे औरत साथ। औरत मत से कब तक लड़ सकती है? बस यही हद है मर्द की। औरत बेचारी उसकी मारे ताने क्या क्या नहीं सहती, और मर्द, मर्द का बस यही जर्फ है। मर्द है ना बाजी, जमाना मर्द को कुछ नहीं कहता। पता है आपको, नत्थू कहता है कि औरत का इस जमाने में मर्द के बगैर कोई गुजारा नहीं। तो मर्द का गुजारा है औरत के बगैर? ये सब मैं नहीं जानती बाजी, अगर अपना घर उजाड़ने की हिम्मत अब मुझ में नहीं रही है बाजी। ये बुजदली है तुम्हारी, आप खुद को मेरी जगह रख के सोचे बाजी। अल्लाह ना करे कि साहब ऐसा करे, पर अगर साहब ऐसा करें आप घर छोड़ के जाएंगी भला?
मेकअप किट्स। अगर राफे मेरे लिए नहीं लाए तो फिर किसके लिए लाए? किसके मैसेजेस हैं? किसके हैं ये मैसेजेस? बोलो। None of your business यार। कैसे तुम्हें बिजनेस? हाँ? बीवी हो तुम्हारी? अच्छा थैंक यू फॉर टेलिंग मी यार, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी हो तुम। सब सह चुकी हूँ मैं, मगर अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या किया है मैंने? तुमने किया क्या है? हाँ? मेरे होते हुए तुम किसी और के साथ? हाँ तो इतनी बोरिंग लाइफ और इतनी बोरिंग वाइफ होगी तो यार कुछ ना कुछ तो करूंगा ना मैं एक्साइटमेंट के लिए। मुझे ज़हरी टॉर्चर करना बंद कर दो। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। तो क्या कर लोगी? क्या करूंगी बोलो। मैं यार तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो पता है, सिवाय धमकाने। जाओ यार तुम कुछ नहीं कर सकती, मुझे भी अपना काम करना। तुम अब देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ, अब देखना तुम कि मैं क्यों कर सकती हूँ। क्या कर रही हो ये? क्या साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो गई हो यार? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यही कहा था ना मुझसे, अपनी बीवी के होते हुए बाहर अफेयर चला रहे थे, शर्म भी नहीं आई तुम्हें? यार तुम क्या, ये मुझे नहीं समझ आ रहा करना क्या चाह रही हो तुम। समझ आ जाएगी, मेरे होते हुए बाहर अफेयर चला रहे थे और अब तुम्हें मैं बताऊंगी कि बाहर अफेयर चलाना किसे कहते हैं। क्या फजूल बातें कर रही हो यार तुम? हटो, हटो मेरे रास्ते से। जो नहीं यार, क्या पागल हो गई है? ये मर्द खुद को समझते क्या है? बीवी के होते हुए बाहर अफेयर चलाएंगे और बीवी को पता भी नहीं चलेगा? हाँ अब इसे मैं बताऊंगी कि धोखा कहते किसे।
यार सुनी, बेवफाई किसे कहते हैं? अरे क्या मजाक कर रही हो यार? रामेश, दरवाजा खोलो रामेश, रामेश। सुनी 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 दरवाजा खोलो यार। ये आप क्या कर रही हैं जोनी? राफे आ रहा था यहाँ पर। हुआ क्या है जोनी? धोखा दे रहा था मुझे, अब फिर चल रहा है उसका किसी औरत के साथ। सुनी व्हाट द हेल इज दिस यार, दरवाजा खोलो। अब बताऊंगा उसे कि धोखा देना कहते किसे? ओह गॉड जोनी, मुझे दरवाजा नहीं, तुम दरवाजा नहीं खोलो। जोनी मुझे दरवाजा खोलने दे। तेरे दरवाजा नहीं खोलो, देखो वो आ रहा है, वो गलत समझेंगे। प्लीज आप मुझे दरवाजा, आप प्लीज मुझे दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा खोलो प्लीज। राफे राफे अब मेरी बात सुन, राफे तू राफे एक मिनट, अब मेरी बात सोच सुन, क्या मेरी बात सुन, राफे आई अंडरस्टैंड नाउ। जोनी प्लीज इन्हें बता, ऐसा कुछ नहीं है। राफे आप प्लीज मेरी बात सुनिए। शर्म निकल आया, निकल यहां से राफे, चुप मेरा। चलो हाथ छोड़ो मेरा, चलो सुनी हाथ छोड़ो मेरा। हाथ क्यों छोड़ो तुम्हारा? सब देख रहे हैं राफे, तुम्हें फिक्र है लोगों की? मैं फिक्र थी? हाँ चीटिंग तुमने की थी, मैंने नहीं। मैंने की थी? हाँ झूठ तुमने बोला, बेवफाई तुमने की मुझसे। और छोड़ो, चलो जी। सुरैया तुम अपने लिए कहीं और काम ढूंढ लो, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। सारा मैं जोनी बात कर रही हूँ, वो ना राफे से झगड़ा हो गया मेरा, पुलिस को फोन कर दिया मैंने, पुलिस थोड़ी देर में आ जाएगी तो मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रहने आ जाऊं। तुम्हारी सास आई, ठीक ठीक है, लड़ाई हो गई मेरी राफे के साथ। हाँ बहुत ज्यादा, पुलिस पुलिस भी आ रही है, मैं सीधा आप ही की तरफ आ रही हूं, घर से बाहर जा रही हूं, कि मैं घर में तो वन फाइव, आप ऐसा करें कि यहां मत आइएगा। हाँ मैंने फोन किया था आपको, नहीं वो मेरा झगड़ा नहीं हुआ था, मेरे घर में काम करती है ना मासी, उसका झगड़ा हो गया था उसके शौहर के साथ, तो सुलह हो गई उनकी। हाँ आप लोग मत आइए। Thank you.
दरवाजा खोल, खोल दरवाजा नंदू खोल। आया क्या हो गया तुझे, क्या शोर मचाया तुझे? दरवाजा खोल नंदू, इससे बातें कर रहा था, किसी छुपा रहा है। कौन होगा मेरे साथ? पकड़ ले जा। अब भाग ये तो कर गया रही है तू, चाची गया किधर? ओ तेरी पीछा जा, ओ दिमाग ठीक है तेरा? मैं कह रही हूं नंदू हट जा, पागल है पागल, निकल बा किधर। तुझे शर्म नहीं आती छत खसमी? सौ कसम खा के तेरी आ गई मुझे। बदतमीजी नगर है, फांसी कर लूंगा तेरी। जा जा लगा जिस मर्जी साहब जी को शिकायत, तेरी भी तेरे साहब से ना तो थे। जा रही है बेगम साहब घर छोड़ के जा रही है, मैं भी जा रही हूँ उनके साथ, पीछे ना आई मेरे, बता रही मुझे पीछे ना आई। डॉक्टर हो मुझे मारा तूने, मुझे मारा तूने, मुझे मेरी सौत के सामने मारा, देख मैं क्या करती। ओए ये क्या कर रिया? ओए राघव ओ सर जाएगा मेरा मुझे, ओ छोड़ दे, ओ नहीं पागल हो गई तू, ओ आग लग जाएगी। ओए जा कौन है? हाँ और छोड़ क्यों मचाया हुआ? खैर है तू कैसे आ गई है? हैं? कह रहा है कोई बात क्यों नहीं कर रही तू? छठ दे मुझे, मुझे जाने दे, मैं अब नहीं आऊंगी, कसम से तुझे जो कहने तू तू अपने कसम से कहे, मुझे क्यों पकड़ रही है? डर क्यों रही है मेरे से? देख ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ दे। जानती हूँ मैं, जानती हूँ, इधर आ बैठ मेरे साथ। अच्छा बैठ, बात करनी है तेरे से, बैठ तो सही, बैठ बैठ ना। प्यार करता है ना तू तुझसे? बोल बोलना। आ हाँ करता हूँ यार, मसला है कोई? पहले ना ये मुझसे प्यार करता था तो मार भी इसकी मैं खाती थी, अब ये तुझसे प्यार करता है उसकी मार भी तू ही खा, मैं क्यों खा? जा रही हूं मैं ये कर छट के हमेशा के लिए। तूने मुझे सुनाया, सुनाया समझा, सुनाया समझा, हमारा कैसे जान लिया?